बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। श्री राज श्यामा जी के चरणों में पल पल सिजदा। आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर, हमारी प्रथम परिक्रमा संपूर्ण हुई श्री रंग महल नौ पौ दसवीं काशी, और अब श्री राजी से अर्जी कि हमें दूसरी परिक्रमा में ले चले। तो दूसरी परिक्रमा में प्रवेश करते हैं सबसे पहले रंग महल की पूर्व दिशा में। तो आइए सुंदर सा जी, एक पल धनी के चरणों का ध्यान लगाते हैं, फिर सातवन की ओर चलते हैं। धनी चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को महसूस करें। धाम दरवाजे के सन्मुख दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में ठीक सन्मुख हमारे धाम दरवाजा नूरी दर्पण रंग का अति विशाल द्वार, अति विशालता लिए बेहद ही सुंदर लाल रंग की प्यारी सी चौखट, हरे रंग की बेनी और उन किवाड़ में आए बेशुमार चौक, कोई चौरस कोई गोल कोई अर्धचंद्राकार, उनमें भी बेशुमार चित्रामन, और सामने आए सात वनों में से अमृत वन का प्रतिबिंब भी झलकता हुआ, कुंडी सांकल सभी नगों के अपरंपार शोभा। धाम दरवाजा खुल रहा है, भीतर के भी सभी द्वार खुलते हुए एक के बाद एक सभी हवेलियों के द्वार खुल रहे हैं, और धनी ने हमारी नजर पहुंचाई मूल मिलावा में उनके चरणों तले। हमारे श्री राज श्यामा जी मूल मिलावा के मध्य चबूतरे पर स्वर्णिम सिंहासन पर विराजे हैं श्री राज श्यामा जी, और हम सब रूहों के मूल तन परातम उनके चरणों तले दाढ़ी की कलियों के। धनी चरणों में सिजदा, युगल पिया की वो सोनी छवि अनुपम छवि, उनका प्यार वो प्रेम प्री स्नेह को महसूस करें, और धनी चरणों में पल पल अर्जी की पिया अब ले चलिए, हमारे हाथों को थाम के हमें ले चलिए सात वनों में दूसरी परिक्रमा में। और धनी हमारी नजर घुमाते हैं चांदनी चौक की तरफ, ठीक सन्मुख चांदनी चौक की सुंदर शोभा, और चांदनी चौक धाम दरवाजे की ठीक सन्मुख आए अमृत वन का ही एक हिस्सा, चांदनी चौक की अपरंपार शोभा, रीति का नूर लाल हरे वृक्ष का नूर, पूरब दिशा में वो सात वन के नजारे। तो आइए सुंदर साजी, सात वनों की शोभा करें। उन शोभा को धनी की मेहर से उन्हीं की प्रेरणा से दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। तो सुंदर साथी, सबसे पहले हम देखें कि सात वन कहाँ शोभायमान है। रंग महल की पूर्व दिशा में सात वन आए हैं। अगर हम यहाँ पर
यमुना जी की पाल पर खड़े हैं तो वनों का क्रम देखे हम, दाएं हाथ से लेके बाएं हाथ की ओर, केल, लिपोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और पटवन। एक बार से वापिस से मैं वनों का क्रम बता रही हूँ। उत्तर से दक्षिण ले या दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर, सबसे पहले केल वन की शोभा, लिपोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बटवन का स्थान। अमृत वन के ही मध्य हिस्से में, अमृत वन का जो एक हिस्सा रंगमहल से लगता है उसके ही तीसरे हिस्से में चांदनी चौक की शोभा है। इन शोभा को भी अच्छे से करेंगे। अभी हमने क्रम देखा कि इस तरह से और भी पिक्चर्स देखते हैं। ये देखिए सतगुरु महर्षि जी के प्रदर्शन से कि हम यमुना जी की पाल पर खड़े हैं, तो ये देखिए केलवन, लिपोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और ये बटवन का स्थान। ये देखिए अब इन सात वनों में से हम देखेंगे, ये देखिए ये जो है ये निशान, ये अपना निशान हुआ श्री रंग महल का। चारों कोनों में ये 16 हाथ की चबच्ची जिससे रंगमहल की चार दिशाएं हो जाती हैं। ये हुई पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर दिशा और ये हुई दक्षिण दिशा। तो अभी पूर्व दिशा की शोभा देख रहे हैं कि हमने पूर्व दिशा में देखा 7 वन है, जिसमें से 3 वन जो अपना रंग महल है उनकी दीवार के साथ लगते हुए आए हैं। ये देखिए इसको इस नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए ये अपना ईशान कोने का चबच्चा, ये अपना अग्नि कोने का चबच्चा। इन दोनों चबच्चों के मध्य जो श्री रंग महल की लगभग 1500 मंदिर की दीवार है या भूंबर ऊंचा चबूतरा है, इन चबूतरे के सन्मुख ये देखिए 3 वन, अनार, अमृत और जांबू। ये अमृत के दो हिस्से नजर आ रहे हैं क्योंकि मध्य रोंस आती है, नहीं तो ये पीले रंग में पूरा अमृत वन है, ये अनार वन और ये जांबू वन। ये तीनों वन बिल्कुल रंग महल के चबूतरे के साथ लगते हुए। अब अनार के उत्तर में हम देखेंगे लिबोई, लिबोई के उत्तर में देखेंगे केल, इसी तरह से जांबू के दक्षिण में नारंगी और ये बटवन का स्थान। तो बटवन के स्थान पे सुंदर साजी वो शोभा भी देख, एक सेकंड के लिए देख लेते हैं, बाकी वर्णन तो उसका बाद में होगा। ये देखिए बटवन के स्थान पर बड़ो वन के 5 वृक्ष निकलते हैं। ये देखिए बड़ो वन के 5 वृक्ष और उनमें कुंज निकुंज प्रारंभ हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर देखें केल, लिबोई, अनार, अमृत थोड़ा सा अलग है, अमृत, नारंगी, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, ये 6 वन तो अपने को लगभग एक समान नजर आ रहे हैं। ये जो बट वन का स्थान है इसकी शोभा जुदी है। यहाँ पर बड़ो वन के पेड़ निकलते हैं, उनके मध्य कुंज निकुंज शुरू हो जाता है और बट वन का हम पूरा विस्तार करेंगे जब हम यमुना जी तक पहुंचेंगे। पुखराज से जब यमुना जी प्रकट होती हैं तो यहाँ पे बट घाट की शोभा आती है, तो वो शोभा बाद में करेंगे। तो अभी हमने देखनी है इन वनों की शोभा। तो महाराज शिव जी जाम्बू वन का वर्णन कर रहे हैं, द्वारदश महाराज जी सदगुरु महाराज जी जाम्बू वन का वर्णन कर रहे हैं। जैसा जाम्बू वन है वैसी ही बाकी वनों की शोभा आती है, जिसमें लिबोई, अनार और नारंगी वो तो बिल्कुल समान रूप से है जैसे जाम्बू है। तो वो सबसे पहले शोभा करते हैं जांबू वन की। सुंदर साहब जी रंग महल की पूर्व दिशा में कितने वनों की अभी शोभा हमने देखी। नए सुंदर साहब जी कोई हाँ जी सुषमा प्रणाम जी आंटी। प्रणाम सात वन जी। आए ना? हाँ क्रम बताओगे, मैं नक्शा भी सामने रख देती हूँ कि एकदम से याद नहीं होता। उत्तर उत्तर दिशा में आई इस साइड से केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और वटकेट।
है ना, सात बनाए हैं। जी जैसल आप दोहराओगे? दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी, रंग महल के पूर्व दिशा में सात वन आए हैं, और केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और वट। बट है ना, जी तो सुंदर सा जी, ये सभी वन यहीं से देखते हैं अभी सदगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से, ये सभी वन 500 मंदिर की तो चौड़ाई लिए और 2000 मंदिर की लंबाई लिए हैं वन रोज तक। यमुना, या यूं माने कि 500 मंदिर की चौड़ाई और यमुना जी की तरफ देखते हैं तो 2000 मंदिर की लंबाई। ये देखिए 500 मंदिर की चौड़ाई और इस तरह से लंबाई है 2000 मंदिर की। तो सबसे पहले हम जांबू की शोभा देखते हैं। ये देखिए यहां पर भी देखिए सुंदर सा जी, ये वन अपने को सीधा यमुना जी ले जाते हुए है ना। देखिए केल, निबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और यहाँ पे वट का स्थान। तो सबसे पहले जांबू वन की शोभा देखते हैं सुंदर सा जी। थोड़ी थोड़ी गिनतियां भी ले रही हूँ ताकि शोभा अच्छे से दिल में बैठे। बहुत धीरे करेंगे, नहीं समझ में आएगी दोबारा करेंगे। ये देखिए 500 मंदिर की चौड़ाई और ये देखिए वन रोज तक 2000 मंदिर की लंबाई। सिर्फ अभी हम इस वन की शोभा देख रहे हैं, एक बार निशान लगाती हूँ, यहां से यहां तक शोभा देखनी है अपने को। इस वन की बात हो रही है, इतनी शोभा देखनी है अभी। तो ये हम देखेंगे, ये जांबू वन है, ये 500 मंदिर की चौड़ाई लिए और लंबाई लिए धाम के चबूतरे से, अपना जो रंग महल का भूम भर ऊंचा चबूतरा है उन दीवार से, पुखराजी रोज तक कहे या वन रोज तक कहे, यानी या इस आखिरी नहर तक कहे, इसकी लंबाई है 2000 मंदिर। इसको यहां से भी दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए। हालांकि ये नक्शा थोड़ा सही नहीं है क्योंकि ये तीनों वन थोड़ा सा धाम दीवाल से बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए सही है। यहां से हम देखिए यमुना जी तक ये है 2000 मंदिर की लंबाई और चौड़ाई है 500 मंदिर की। अब इस वन में क्योंकि अपन ने बगीचे लेने हैं, लंबाई हमने देख ली, चौड़ाई भी हमने देख ली, अब इसमें दो तो लंबाई तरफ नहरें, दो नहरें लंबाई तरफ आ गई और पांच नहरें अपनी ही आड़ी आ गई। इन आड़ी खड़ी नहरों के बीच में चार बगीचे अपने हो गए। ये देखिए चार बगीचे अपने हो गए। तो इसकी जो हमने अभी लंबाई देखी, यहां से चबूतरे से बिल्कुल पठोर से, जो अपना रंग महल का भूम भर ऊंचा चबूतरा है, मैं इस जगह की बात कर रही हूं, ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे के साथ से लगती हुई और यहां तक इसकी लंबाई आई है 2000 मंदिर। तो ये देखिए, ये है भोंबर ऊंचे चबूतरे की दीवार। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये भोंबर ऊंचे चबूतरे की दीवार। इस दीवार के साथ लगती पहले एक कमर भर ऊंची रोस आई, सबसे पहले एक कमर भर ऊंची रोस, उस रोस पर वृक्षों की दो हारे हैं। ये अपने को इसलिए भी समझना है क्योंकि अपने को वनों का मिलान भी समझना है। तो यहाँ पर दो मंदिर की रोस, इस पर वृक्षों की दो हारे और ये वृक्ष दो दो मंदिर के अंतर पर आए हैं। अब जैसे जाबू की हाथ में ये जाबू के वृक्ष होंगे, अमृत की हाथ में ये अमृत के वृक्ष होंगे, अनार की हाथ में ये अनार के वृक्ष होंगे, क्योंकि इसी घाट का, इसी वन का ही हिस्सा होगा ना ये जगह, ये जगह इसी वन का हिस्सा है। तो यहाँ पर वृक्षों की दो हारे। अब इस रोस के साथ लगती ही ये अपनी पहली नहर आई, जो एक मंदिर की चौड़ाई लिए है और 500 मंदिर की लंबाई लिए है। उस 500 में भी एक एक मंदिर की रोज छूट जाती है, तो लगभग 498, अपन 500 याद रखते हैं कि 500 मंदिर की चौड़ाई लिए और एक 500 मंदिर की लंबाई, सॉरी सुंदर सा जी, और एक मंदिर की चौड़ाई, जिसमें आधे मंदिर की भूम भर गहरी नहर हुई और शायद दो मंदिर का विस्तार है सुंदर सा, इसका विस्तार जहां तक मुझे याद आ रहा है। किसी सुंदर सा जी को याद है क्या है इसकी नहर की चौड़ाई? ध्यान है सुंदर सा जी, नहर की चौड़ाई जो सदगुरु महाराज ने दी,
हाँ जी कुसुम दीदी आप बताओ। दो मंदिर की है। हाँ हाँ दो मंदिर, क्योंकि ना बोलते बोलते लगा कि कुछ गलत हो रहा है, जी क्योंकि आधे मंदिर, एक मंदिर में तो नहर है और हाँ जी हाँ 50-50 हाथों में रोस, 50-50 हाथ में रोस है। सुंदर जी सा जी ये नहर अपनी दो मंदिर, नहर की चबूतरा कहलाता है, नहर का चबूतरा, दो मंदिर का चौड़ा और लगभग 500 मंदिर का लंबा, जिसमें एक मंदिर में अपनी भूंबर गहरी नहर होगी और ये भूंबर गहरी अर्थात यमुना जी के लेवल तक गहरी और आधे आधे मंदिर की रौस हो गई। तो ये पहला नहर का चबूतरा, 500 मंदिर की दूरी पर दूसरा नहर का चबूतरा, 500 मंदिर की दूरी पर तीसरा, फिर चौथा और ये पांचवा। तो इसकी हद यहाँ तक है। ये जो वृक्ष आते हैं, ये वृक्ष इस जांबू वन के नहीं है, ये वन रोज के वृक्ष हैं, इसके वृक्ष यहीं तक आते हैं। तो इस तरह से ये अपनी हो गई 500 मंदिर की चौड़ाई और 2000 मंदिर की लंबाई। अब इस 500 मंदिर की चौड़ाई में अपनी ये दो मंदिर की रोस भी है, तो जब हम ये लंबी नहरें देखेंगे तो यहाँ पर भी दो मंदिर कम हो जाएगा, क्योंकि दो मंदिर उस रोस ने ले लिया। तो एक मोटा हिसाब है, हम कहते हैं कि 500 मंदिर की चौड़ाई में और 2000 मंदिर की लंबाई में ये नहरें आई। अब इनके मध्य अपने चार बगीचे हो गए, है ना। ये देखिए सुंदर साह जी, इसको अपन खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, ये दो नहरें अपनी लंबी हो गई, पांच नहरें अपनी आड़ी हो गई, तो 500 मंदिर के लंबे चौड़े चार बगीचे हो गए, 500 मंदिर के लंबे चौड़े चार बगीचे हो गए। अब इन एक बगीचे की हम शोभा देखते हैं। ये जो बगीचा है, 500 मंदिर की चौड़ाई इसकी पता कहाँ से कहाँ तक कहते हैं, मैं निशान लगा के दिखा रही हूं। इस मध्य रोंस से लेकर इस मध्य रोंस तक इसकी 500 मंदिर की चौड़ाई है, क्योंकि ये जो रोंस भी है, एक मंदिर इधर से और एक मंदिर इधर से जो रोंस है, ये रोंस है जांबुवन की, यहां तक है ना, यहां तक ये आधी रोंस इधर अमृत वन की होगी। तो इन मध्य रोंस से लेकर मध्य रोंस तक, यहां से लेकर यहां तक 500 मंदिर की चौड़ाई हुई और लंबाई हमने देखा 2000 मंदिर की। लेकिन एक मोटा बयान किया जाता है कि 500 मंदिर का लंबा चौड़ा ये बगीचा। अब इस बगीचे में है तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चह बच्चे, चारों दिशाओं में पुलों की शोभा। पुल अपने को ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन ये चार विशाल पुल तो हैं ही सी, अति सुंदर शोभा लिए। अब पुल है तो पुल के दोनों तरफ कठेड़ा भी होगा। अब ये जो अपनी 50 हाथ की रोस आई, इससे तीन सीढ़ी अपना नीचे ये बगीचा है। ये देखो चारों कोनों में सीढ़ियां उतरती हुई गोलाई में, ये चारों कोनों से सीढ़ियां उतर रही हैं और इन सीढ़ी के बीच में एक वृक्ष भी आएगा। चारों कोनों से सीढ़ियां उतरती हुई, चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हुई, और यहाँ दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं, दो भूम तीसरी चांदनी के दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष। अब जैसे ये जांबू वन है तो घेर के तो वृक्ष होंगे जांबू के, लेकिन भीतर आपको कोई भी वृक्ष मिल सकता है, जो रूह की चाहना है भीतर सभी प्रकार के वृक्ष होंगे। और सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी ठीक मध्य में देहोरी बताते हैं, लेकिन महामती जी की बड़ी वृत्त कहती है कि कहीं कहीं देहोरी, तो देहोरियां ज्यादा भी हो सकती हैं। तो जैसे दिल में शोभा बने, अब इसका एक खड़ा दृश्य देखते हैं। ये देखिए एक बगीचा, ये अपना एक बगीचा हुआ, चारों दिशाओं में नहरें हुई, एक मंदिर में नहर, 50-50 हाथ में रोस, चारों कोनों में चह बच्चे हुए। अब ये जो बगीचा है, इन नहर की रोसों से तीन सीढ़ी नीचे होगा, तो चारों कोनों से गोलाई में सीढ़ी उतर रही है, चारों दिशाओं से भी उतर रही है, चारों दिशाओं में सुंदर पुल भी आ रहे हैं और दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष। जब दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आएंगे, तो हम थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे ये अपन मान के चले हमारे वृक्ष हैं, दो दो मंदिर के अंतर पर आ रहे हैं, अब इन वृक्षों के मध्य जब आपस में ये वृक्ष मिलान करेंगे, तो ये देखिए
ऐसी चौक बन जाएंगे ना सुंदर सा जी, अपने पास दो मंदिर के लंबे चौड़े दीदी है ना, मेहराब, इसको मेहराब ही ले में सुंदर सा जी, हमें सीधा ड्रॉ कर रही। तो अपने पास दो मंदिर के लंबे चौड़े बहुत सारे चौक हो गए, हम किसी भी चौक में हैं तो चारों कोनों में तो अति सुंदर वृक्ष है, नूर में नगों से झिलमिलाते वृक्ष है, सुंदर उनकी मेहराबे हैं, डालियां हैं, सुंदर मेहराबे हैं, चारों दिशाओं मेहराबे, चारों कोनों पे वृक्ष, नीचे सुंदर रेती होगी। अब इन चौकों में कहूं कहूं जहां आपका इच्छा करती है देहोरी या जवाहरदास माजी के साथ अपने को चलना है तो ठीक मत दे देहोरी, नहीं तो बड़ी वृत्ति कहती है कि कहीं भी देहोरी हो सकती है, सब में देहोरी नहीं है, कहूं कहूं देहोरी। तो इस तरह से देहोरी की शोभा, और देहोरी की शोभा समान लेवल में आई है क्योंकि बहुत देखा, क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं ना तो अपने को नक्शों में भी ऐसा लगता है जो राजकोट से नक्शे बने हैं कि तीन सीढ़ी ऊंची देहोरी है, लेकिन तीन सीढ़ी ऊंची देहोरी का वर्णन कहीं नहीं आता। होशकोश ताल में भी देखते हैं देहोरी समान लेवल पे आई है, चार थम उठे ऊपर सुंदर घुमट, ये तो अपने को एक देहोरी दिखाई, लेकिन विशालता ये देहोरियां हैं वो विध विध की तो अपने को इस नासूत में नजर आ जाती हैं, तो वहां भी कई प्रकार की देहोरियां होंगी सुंदर फूलों से, सुंदर बैठ के। तो इस तरह से ये एक जांबुवन की शोभा हुई। तो जैसे जांबुवन की अपनी शोभा है, एक बार मैं नक्शा और दिखाती हूँ, ठीक वैसे ही शोभा अपनी लिपोई की आएगी, अनार की आएगी और नारंगी की आएगी, केलवन की भी जो मूलतः केलवन है उसकी शोभा यही है, लेकिन उसके अंदर से बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं तो ये पांच भूम छठी चांदनी हो जाता है। केल की शोभा भी यही है, दो भूम तीसरी चांदनी है मूलतः केल, लेकिन केल के मध्य से बड़ो वन के पांच वृक्ष निकलते हैं तो ये अपने को पांच भूम का प्रतीत होता है, मूलतः ये भी दो भूम का। तो केल, लिबोई, अनार, जाबू और नारंगी की शोभा ठीक इसी प्रकार से आई है। क्लियर है सुंदर सा जी यहाँ तक शोभा? यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो लेते हैं। हाँ जी कुसुम दीदी, दीदी जो धाम रोज से लगती दो मंदिर की रोस आएगी उस पे जो दूसरी रोस है दूसरी हमें जो आएंगे वृक्ष वो पाल के इसके ऊपर आएंगे चबूतरे के ऊपर आएंगे उसके साथ में नीचे आएंगे। ये देखो अपन ये वाला निकालते हैं नक्शा, इसमें विस्तार से है चीज, ये देखो हाँ जी ये वृक्षों की दो हारे, तो नहर के दोनों तरफ वृक्ष होते हैं ना, तो इधर वाले वृक्ष ये हो गए, हाँ जी नहीं ये चबूतरे के ऊपर आएंगे हाँ या नहीं। चबूतरे पे आएंगे ये देखो ये चबूतरा पूरा घूम है ऐसे, हाँ तो ये चबूतरे के ऊपर है चबूतरे के ऊपर है, मतलब कमर भर ऊंची रोज पे है। ठीक है नहीं हाँ जी कमर सिंदूर, तो दीदी सारी रॉस है ना ये पूरी रॉस ही कमर भर ऊंची है। हाँ ये कमर पर ऊंची रोंस है ना, ये पूरी इस रोंस पे देखो वृक्षों की दो हारे चल रही हैं। तो आ रहे हैं मतलब मैं कहना चाह रही हूँ नहर के चबूतरे के ऊपर आएंगी या नीचे ही आएगी। देखो नहर का चबूतरा और ये रोंस दोनों मिलान करते हुए दी, हाँ तो ये चबूतरे के ऊपर तो नहीं है ना उसके साथ में ही है ना लगती हुई। नहर की पिठोर पे होएंगी, नहर की मतलब नहर का जो चबूतरा है ना उसके बिल्कुल पीठ से लगते हुए आएंगी, क्योंकि हमेशा देखो वृक्ष आते हैं ना हाँ नहर क्लियर की दीदी पिठोर से, तो ये पिठोर से लगते हुए इस रोंस पे ही आई है, ठीक है दीदी रोंस पे ही आई है वृक्षों की दो हारे, लेकिन एक हार बिल्कुल ये जो अपनी नहर की रोंस आई ना इस रोंस की पिठोर, अब यहाँ तौर पे समझ पिठोर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो बराबर लेवल हो गया, तो आ उसके गया बिल्कुल साथ लगते हुए। हाँ जी सीमा, प्रणाम प्रणाम जी। दीदी जी। बस एक चीज छूट गई मुझसे आपने हर चौक में देहोरी की शोभा बताई है क्या। चार वृक्ष चार वृक्षों के मध्य आपने हर चौक में देहोरी की हर शोभा चौक में बताई है नहीं, हर कहूँ चौक में कहूँ नहीं, कहूं कहूं बताइए, या तो जवाहरदास कहूँ माजी के हिसाब से लेते हैं तो ठीक मध्य देहोरी है, हर वृक्ष के ठीक मध्य, भले वो ये वाला वृक्ष जी ये मतलब ये वाला बगीचा हो, हर बगीचे के ठीक मध्य, या ये अमृत वन के ये छोटे बगीचे हो, सबके ठीक मध्य देहोरी बता रहे हैं, लेकिन बड़ी वृत्ति कहती है कि कहीं कहीं देहोरियां हो सकती हैं। ठीक अपने पास देखो 250 वृक्षों की 250 हारे हैं,
तो अपने पास लगभग 249 चौकों की 249 हारे हो गई। तो 5-6 दिहोरियां भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। और सदगुरु महाराज श्री के हिसाब से लेते हैं तो ठीक मते, तो जैसे दिल में शोभा बैठे। इससे दिहोरी की कोई लंबाई चौड़ाई तो नहीं बताई ना दीदी एक आपने। मंदिर की लंबाई चौड़ाई, दो मंदिर का चौक है ना, तो एक मंदिर की लंबाई चौड़ाई। तो अपन मोटे रूप में क्या करते हैं कि इस तरह से बना लेते हैं, लेकिन और भी कई तरह की दिहोरियां हो सकती हैं। जुड़ लिए ये चौरस हो, गोलाई में भी हो सकती है, 5 कोने की हो सकती है, 6 कोने की, जैसी भी इच्छा हो। पर इस तरह से एक जैसे बैठक आजकल आएगी, पार्क सुन में भी निकाली जाती है ना दीदी, सुंदर आजकल बैठक पार्क में आएगी। देखा सिटिंग एरिया जो बनाते हैं वो, है ना, वो कितना सुंदर बनाते हैं पार्क में, हाँ मैं वही कह रही वहां हूँ। तो कितना सुंदर है वो। हाँ तो ये जी अपने को एक दे दिया कि ऐसी जी देहरी है, अब हम अपनी कितनी चितवन चला सकते हैं, है ना। ठीक है, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सिंह साहब प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो चाबच्चा है वो तो दो मंदिर वाला ही है ना, मतलब एक एक मंदिर में जल। हाँ, एक मंदिर में जल और घेर के 50। 1 सेकेंड, ये देखो ये जो चयबच्चा है हाँ जी, अपना, एक बार यही नक्शा निकालती हूँ, क्योंकि क्या जल हुआ? हाँ अपना एक मंदिर में आ रहा है, तो जल एक मंदिर में और 50 हाथ की रोस। हाँ जी, ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मिथिलेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मुझे ये पांच पेड़ समझ नहीं आ रहे दीदी, ये केल वन से लिबोई की ये तरफ दी है अपन वो। अभी, ये वर्णन है ना पूरा आएगा जब अपन पहुंच जाएंगे लाल चबूतरे पे। अभी हम मोटे रूप से इतना समझ लेंगे कि ये जो लाल चबूतरे से बड़ो वन, लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, वहां से 5 पेड़ निकलते हैं, वो इस केल वन से होते हुए यमुना जी की पाल पे आ जाते हैं, फिर यमुना जी की पाल से होते हुए इस बट वन में उतर जाते हैं। तो ये आप जब ये अपन मुझे लाल चबूतरा बताएंगे, करेंगे ना, उसके बाद इसका विस्तार से शोभा आएगी। एक बार मैं खड़ा दृश्य आपको दिखा देती, ये देखिए, ये देखो इधर ये बड़ो वन के वृक्ष है ना, ये वृक्ष केल वन में से निकलकर ये देखिए इस जमुना जी की पाल से होते हुए, जमुना जी की पाल में जिस भी वन के सन्मुख आते हैं उसी वन का रूप ले लेते हैं, फिर यहां से ये उतरते हैं, यहां से, खेल वन के बीच में से निकलेंगे ये? हाँ केल वन के बीच में से निकलेंगे। हाँ वो ही पूछ रही थी दीदी बस, कि केलवन के बीच में से हाँ निकलेंगे। केल वन मूलतः वो बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे अभी अपन ने शोभा देखी, लेकिन इसके बीच में से ये 5 पेड़ निकलेंगे, सवा सौ मंदिर की दूरी पे, हाँ काफी जैसे दूरी से हमारे निकलते हैं। अमृत वन में के जैसे दो हिस्से हो गए, बीच में से रोस गई है, वो अभी करते ऐसे हैं ही। वर्णन, वो अभी वर्णन करते हैं वो तो, अच्छा, हाँ वो अभी वर्णन करेंगे, पहले ये वाला क्लियर हो जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। दीदी जो ये चांदनी चौक की अब रोंस घेर के आई है धाम दीवार के साथ साथ लगती हुई, और अमृत वन की रोंस, इनका लेवल सेम है? सेम है, ये सेम देखो, है ये इस, नहीं? देखो हाँ इसको अपन जी ये खड़े दृश्य से देखिए, ये देखो रेड, ये रंग की रोंस आ रही है ना, ये हाँ रोंस जी हाँ देखो जी पूरी घूमती हुई, नहीं तो ये फिर हमने रोंस जब चांदनी चौक पे उतरना है तो हमें दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी उतरना पड़ेगा? नहीं, चांदनी चौक तो कमर भर ऊंचाई पर ही है, चांदनी अच्छा, चांदनी चौक कमर भाई चौक उनका। कमर भर ऊंचाई पर ही है, ये अच्छा अच्छा देखो। अच्छा बस 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 यही क्वेश्चन था मेरा कि चांदनी चौक का लेवल किसके बराबर है, बस। ये देखो ठीक है, हाँ ये समझ गई अपने दीदी। तो हाँ आप कोई नहीं, और भी सुंदर साथ का हो सकता है ना, ये जी, हाँ देखो जी, ये दो मंदिर की रोस हाँ जी, है ना, इस पर वृक्षों की दो हारे आई, ये रोस फिर अपनी चली पाठ घाट की तरफ, इस पर वृक्षों की दो हारे, और ये जो चांदनी चौक की रेती है उसका लेवल भी इसी के समान, यानी परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचाई पर। आप म्यूट हो गए शायद दीदी। हेलो। नहीं दीदी, हाँ क्लियर हो गया ना ये। हेलो। हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है? आ रही है। तीन हाँ जी, बस ये चांदनी चौक का ही पूछना था कि चांदनी चौक का लेवल नीचे है या एक तीन सीढ़ी सीढ़ी ऊंचाई ऊपर? पर, 3 सीढ़ी ठीक ऊंचाई है पर। ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ जी भावना, प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम ये जी। जो अड़ी खड़ी नहरों के बीच में चार डिवीजन हो गए ना वन के, तो दो दो मंदिर की दूरी में वृक्ष बताए ना आपने, तो ऊपर
500 मतलब 250 वृक्ष आएंगे, और इधर इधर भी उतने ही आएंगे क्योंकि 500 का ही हो गया ना एक हाँ चौक। बराबर ही है ना लंबा चौड़ा, तो हाँ 250 ठीक वृक्षों की 250 हारे महाराज जी बताते हैं। अच्छा ठीक है हाँ जी चित्रांशी, प्रणाम जी आंटी। प्रणाम आंटी जी। ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, ये जो आप बता रहे थे चांदनी चौक का लेवल और ये देखो बगीचों का बेटा, लेवल, ये क्लियर? ये देखो बेटा अपने पास, ये देखो जैसे ये नक्शा शायद सही है। हाँ ये देखो, ये जो हरे रंग की आ रही है ये है रोज से, रोज हाँ जी हाँ जी कमर भर ऊंची आती है। अब इन हाँ रोसों जी ने और ये नहरों की पाल ने मिलान कर लिया, ठीक है, नहरों की हाँ पाल भी जी कमर भर ऊंचाई पे, और अपने ये जो बगीचे हैं ये कमर भर नीचे आते हैं। लेकिन इसको ना ठीक इस है नक्शे से देखते हैं, लेकिन जब ये अपन जैसे यहाँ पर आ गए इस रोज पर हैं, और अपने को हाँ चांदनी जी चौक में जाना है, तो अपने को चढ़ना उतरना नहीं है, क्योंकि चांदनी चौक भी यहाँ से 3 सीढ़ी ऊंचाई पर आया। ये देखो ठीक है समझ गई। हाँ जी हाँ जी मैं जूम कर रही हूँ, ये चांदनी चौक, चांदनी चौक से हम इस रोज पे आ गए, रोज से हम नहर की पाल पे आ गए, एक वो लेवल सेम पे लेवल पर है। आ गए, हमने पुल पार हाँ जी किया इस पे आ गए। अब इससे नीचे उतरना है तो अपने को देखो 3 सीढ़ी मिल रही है ठीक है ठीक है। मतलब जो नॉर्मल जो जमीन है अपने परमधाम की और चांदनी चौक की जमीन, वो दोनों सेम लेवल पर है। नॉर्मल जमीन नहीं, जो परमधाम की जमीन है वो तो बगीचा हुआ, बगीचे से 3 सीढ़ी अच्छा ऊंची, अच्छा ठीक है हाँ जी हाँ जी समझ गई रोस समझ गई। रोसों के लेवल में हुई, पुखराजी रोस हो गई, ये तो मध्य रोस हो गई, उसके लेवल में हुआ ये, ठीक है हाँ जी समझ गई। है ना। हाँ जी भावना, प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम फिर जी। एक कंफ्यूजन ये आ रहा है कि इस तरह परमधाम की जमीन से जो लाल और हरा वृक्ष है वो 6 सीढ़ी ऊपर हो जाएगा। 6 सीढ़ी, अपन याद हो तो अपन ये क्वेश्चन भी लिया था उस वक्त कि हम चबूतरे के ऊपर हैं तो हम परम धाम की जमीन से कितना ऊंचा है, 6 सीढ़ी। ओके दीदी, फिर ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि परम नहीं ये चांदनी चौक की जमीन नीचे है यहाँ से, और वृक्ष 3-3 सीढ़ी ऊपर आए हैं दोनों चबूतरे के ऊपर। ये कंफ्यूजन था मुझे आज। ओके दीदी हो जाए क्लियर। हाँ प्रेम जी प्रणाम जी प्रणाम दीदी। जी। हाँ जी आदि, प्रणाम जी आंटी जी। मेरे प्रणाम जी, प्रणाम जी। को ना आंटी ये जो रॉस आई है, रॉस पे जो वृक्ष आए हुए हैं ये भी चारों तरफ से ही मतलब मेहराबे बनाएंगी, बराबर मिलान हो जाएगा ये। मतलब अभी इस पहली हार का तो अभी बहुत विशेष काम है, ये वृक्ष जो बिल्कुल पिठोर से लगते आए हैं, यानी पिठोर हम कहते हैं कि जैसे ये है अपना चबूतरा, ये मान लीजिए अपना वन के साम पीछे वाला हिस्सा हो, जांबू वन के पीछे वाला, या अनार या अमृत के पीछे वाला, मतलब वन के पीछे वाला हिस्सा इसको माने, तो जो पहली हार वृक्ष है ना, तो इस चबूतरे के साथ लगते लगते ऐसे, एक बार कलर दूसरा लेती हूँ, बिल्कुल चबूतरे के साथ, तो इसको कहते हैं पिठोर में आना वृक्ष। तो ये जो पहली हार आई है ना, ये वृक्ष तो जाके इससे मिलान करेंगे और दूसरे वृक्ष यहाँ जाके मिलान करेंगे, तो वो शोभा भी करेंगे। तो ये नहीं। और पहली आंटी हार, जो ये अमृत वन की जो रॉस है और जो उस पे भी वृक्ष आए, तो वहां पे भी चारों तरफ से मतलब मेहराबे बनेंगी। तो मेहराबे बनेंगी, जैसे अगर हम रॉस पे खड़े हैं और हमने जैसे अगर ऊपर मुंह किया तो हमें छतरी मंडल दिखेगा, छत्री मंडल मतलब नजर आएगा, छतरी यहां पर भी हो ना, जैसे बेटा यहां पर भी हो मंडल दिखे तो ऊपर नजर करोगे तो छत्री मंडल है, ठीक है, मतलब हमें खुला आकाश नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ वो छतरी मंडल चांदनी ठीक चौक में नजर आएगा, बस सिर्फ चांदनी है। चौक में, है ना। हाँ राम जी आंटी जी प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम जी। जो नहर है ना, और नहर की जो रोस है, नहर का जो चबूतरा है, तो जल उससे 3 सीढ़ी नीचे से स्टार्ट होगा, नहर का जल। जल नहीं होगा, जल चबूतरा 3 सीढ़ी नीचे होना चाहिए, तो जल क्या इसके नहर के चबूतरे के लेवल में आएगा? कंफर्म नहीं हूँ, जहां तक मुझे ध्यान है 7 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जल रोज का वर्णन नहीं है, यहाँ पे जल रोज का वर्णन नहीं है ना, इन नहरों में जल रोज का वर्णन नहीं है, यहाँ पे जल चबूतरे पे सीढ़ियां उतरने का वर्णन है, तो उस हिसाब से जल लेवल में आना चाहिए। दीदी जल लेवल में ही है,
ठीक है दीदी, प्रणाम जी। क्योंकि यहाँ पर है ना अपना उसका वर्णन नहीं है जल रोज का। ठीक है दीदी, प्रणाम हाँ जी। जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी मंजुला दीदी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बटवन में तो देहुरी नहीं आएगी दीदी? बट वन में देवरी आ सकती है, वहां तो देवरी ऑलरेडी हो गई ना, कुंज निकुंज इतनी बड़ी बड़ी देवरियां हो गई वहां तो, वहां तो बहुत बड़ी बड़ी देवरियां हो गई कुंज निकुंज, है ठीक ना। है, हाँ बाकी प्रणाम क्वेश्चन जी। बढ़िया था आपका कि ये वाली देवरियां वहां नहीं आएंगी, क्वेश्चन प्यारा था आपका, ये देवरी वहां नहीं आएगी। हाँ जी ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी थोड़ा सा और आगे बढ़े, अभी है टाइम अपना, है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने देखा जांबू वन की शोभा, ठीक वही शोभा हम ले ले अमृत वन में, लेकिन अमृत वन में जो चार बगीचे थे अपने, ऐसे चार बगीचे होंगे ना, जैसे जांबू, ये सोचे कि पहले हम ये हिस्सा ले लेवे पूरा, इसी तरह से 500 मंदिर की चौड़ाई, 2000 मंदिर की लंबाई, दो मंदिर की रोज धाम के साथ लगती हुई, पूरा यही मान ले। अब ये जो पहला बगीचा है, धाम से लगता पहला बगीचा है, इस बगीचे के तीसरे हिस्से में चांदनी चौक हुआ, है ना, चांदनी चौक यहाँ पर बनना के रेती का मैदान हुआ, चांदनी चौक को घेर कर भी रोंस आ गई, ये देखिए पूरी रोंस घेर कर आती हुई। अब इस रोंस के साथ लगती अपनी नहर आ गई, क्योंकि जहां जहां हिस्सा कटा वहां वहां नहर आ गई, ये देखिए। अब धाम द्रव्य जी की सीढ़ियों के सन्मुख दो मंदिर की रोज जा रही है नगों की चांदनी चौक में, अपन ने वर्णन सुना था पहले, तो इसके ठीक सामने ये देखिए अमृत वन के मध्य से भी रोज जा रही है, और ये रोज हमें सीधा पहुंचाती है, इसको यहां से देखिए, ये देखिए ये रोज हमें पहुंचाएगी यमुना जी। हाँ थोड़ा नक्शा खुल जाए सुंदर सा जी, एक मिनट, ये देखिए ये रोंस हमें सीधा पहुंचाएगी पाट घाट, मध्य रोंस चांदनी चौक को दो हिस्सों में बांटती, ये रोंस अपने को सीधा पाट घाट पहुंचाती है। तो इस रोंस के आने से चांदनी चौक के, देखो चांदनी चौक दो हिस्सों में बट गया, जांबू वन हमने देखा था 500 मंदिर के लंबे चौड़े चार बगीचे हुए, अब जगह तो अमृत वन की भी उतनी है, 500 मंदिर की चौड़ाई, 2000 मंदिर की लंबाई, लेकिन इसके मध्य एक रोंस और आ गई, ये देखिए ये दो मंदिर की रोंस और आ गई, तो इससे अमृत वन के आठ बगीचे हुए। हालांकि इस नक्शे के हिसाब से अपने को लगता है कि ये जगह लंबी है और ये जगह छोटी है, जबकि यूं है 250 मंदिर और इस तरह से है 500 मंदिर, यहाँ पे 250 मंदिर के चौड़े और 500 मंदिर के लंबे चबूतरे हुए। अपनी लंबाई मैं एक बार लिख देती हूँ सुंदर सा जी, इस तरह से हम लंबाई लेते हैं तो अपनी लंबाई हो जाएगी 250 मंदिर, क्योंकि मध्य रोंस से दो हिस्सों में बट गया, लेकिन जब लंबाई तरफ हम लेते हैं ऐसे ऊपर की तरफ जब लेते हैं, इस तरह से जब हम लेते हैं तो इस तरह से लंबाई इसकी हो जाती है 500 मंदिर, वो तो अपने देखा ही था पहले 500 मंदिर के लंबे चौड़े बगीचे। तो यहाँ पर अमृत वन आठ हिस्सों में हो गया, जांबू वन में हमने देखा कि लिबोई अनार जांबू नारंगी, उनमें अपने चार चार बगीचे आए हैं 500 मंदिर के लंबे चौड़े, तो मूलतः तो देखा जाए ये भी वही हिसाब है, लेकिन मध्य एक रोंस आ रही है जिससे बगीचे आठ हिस्सों में अपने को नजर आ रहे हैं, अपने को आठ बगीचे नजर आ रहे हैं। मैं इसको एक बार छोटा करती हूँ, देखिए सुंदर सा जी इसमें अपने को आठ बगीचे नजर आ रहे हैं क्योंकि मध्य में रोंस है। अब इस रोंस की हम शोभा देखिए, क्योंकि ये रोंस अपने को चितवन में रोज चाहिए कि हमने यमुना जी में झील ना किया, जल रोंस पर आके देहोरियों में श्रृंगार सजा, फिर हम पाल पर आए, पाल से तीन सीढ़ी उतर कर वन रोंस और वन रोंस से मध्य सीधा इस रोंस को पकड़ेंगे तो हम आ जाएंगे धाम की सीढ़ियों तक। तो इन रोंस की शोभा देखिए, ये रोंस दो मंदिर की चौड़ी है और लंबाई तरफ तो गई है यमुना जी तक, इस रोंस के दोनों तरफ वृक्षों की दो हारे हैं, अब चूंकि ये अमृत वन में से कटा है तो दोनों तरफ अमृत वन के वृक्ष है। हम यहाँ पर हैं, ऊपर नजर करेंगे तो हमारे ऊपर वनों की एकल छाया है,
अब इस रोंस के साथ हम दो मंदिर की कहते हैं, पर 50 हाथ की ये रोंस और 50 हाथ की ये रोंस, ये दोनों रोंस से भी मिल गई, तो यहाँ पर 3 मंदिर का स्थान हो जाता है। जल तरफ कठेड़े आएंगे, यहाँ पर नहरें हैं, जल तरफ कठेड़े आएंगे, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां आएंगी, बीच बीच में अपने को चय बच्चे भी नजर आएंगे। तो इस रोंस की प्यारी शोभा, पहली ही भूमि में नहरे चबच्चे सब ढक जाते हैं, दूसरी भूमि में फिर वृक्ष उठेंगे, दूसरी भूमि में अपने को नहरें नजर नहीं आएंगी, दूसरी भूमि में वृक्ष उठेंगे, 75 हाथ में यहाँ वृक्ष उठता है, तना वृक्ष का 25 हाथ में डालियों का विस्तार, और ऊपर एकल चंद्रमा, तो ऐसे दो भूमि तीसरी चांदनी है। अमृत वन की शोभा में हमने देखा मध्य रोंस और ये चांदनी चौक का हिस्सा यहाँ पर कटा है, तो इस तरह से अमृत वन की शोभा। क्लियर है सुंदर साजी? हाँ जी आंटी, प्रणाम आंटी, अनम्यूट कर लो। आंटी अनम्यूट। हाँ जी। मैं एक बात पूछ रही थी, ये आपने बताया ना कि चौरस जो चबूतरा है इसके दो दो मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, तो टोटल कितने वृक्ष हो गए? 250? हाँ, 250 वृक्षों की 250 हारे, 250 वृक्षों की ढाई ढाई सौ सौ हाँ। ढाई सौ ये आगे। भूल जाती हूँ कई बार, तो मैंने कहा मैं पूछ ही लूँ। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम ठीक है जी, ठीक। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्ण दीदी, प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। वैसे तो मतलब जैसे ये आपने ये बताया ना कि भी अमृत वन की ये जो रोंस आई है, इसके दो तरफ रोंस होने से इसके 8 मतलब चौक बन गए। ये आठ आठ बगीचे, चौक नहीं, मुझे समझ 8 चौक नहीं समझ में आया कि 8 चौक कहाँ से आठ हुए। आठ बगीचे, बगीचे? हाँ जी, 8 बगीचे कैसे हुए? ये देखो ना, आठ नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार दोबारा से एरो देना। ये देखो, पहला बगीचा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है ये दोनों तरफ आ गए, मैं जहाँ कंफ्यूजन था, ये दोनों तरफ 8 हो गए। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। जैसे पहली भूमि में नहरें तो ढक जाएंगी, तो दूसरी भूमि में उन नहरों की जगह पे क्या आएगा? खुला खुला स्थान होना चाहिए वहां पे, कुछ स्थान ऐसा मतलब ऐसा दलान टाइप का? बता। दहलान तो बन ही रही है ना, वही दो मंदिर का अंतर यहाँ पे हो गया, अपने को ऊपर नजर ही नहीं आएगा कि ये जगह कुछ डिफरेंट है। यहाँ भी दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ रहे हैं, और ये वृक्ष भी दो मंदिर के अंतर पर है। तो मतलब उस जगह पे ऊपर क्या, मतलब क्या जैसे यहाँ शोभा? पर देखो ना, चौक बन रहे हैं, इन जगह चौक बन रहे हैं जैसे बाकी वृक्षों के मध्य, ठीक ऐसे यहाँ पर एक वृक्ष देखो ये रहा, एक वृक्ष ये रहा, इन दोनों के बीच में दो मंदिर का ही तो डिफरेंट है, तो ऊपर तो समान दूरी पर ही वृक्ष आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरी मेरे दिल में एक शोभा ये चलती है, जैसे चांदनी पर हम हैं तो कहते हैं ना कि रेती का नूर, तो जल का नूर भी उस चांदनी से जब झिलमिलाता होगा तो अपने को नजर आता होगा कि मतलब नहर का स्थान है, जल की रिफ्लेक्शन पड़ती होगी ना। जल का हाँ, ढक गई है लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन तो पड़ेगा ही। रिफ्लेक्शन पड़ेगा ना, ये देखो मैं इसको एक बार कलर यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ये रेड कलर ले रही हूँ। ये देखो अपनी एकल छतरी आ जाए, बहुत रंग बिरंगी फूलों से सजी हुई सब कुछ, यहाँ पे अपने को रेती का नूर नजर आएगा, तो यहाँ पे अपने को इस जल की तो तरंगे नजर आएंगी ना, शीतलता नजर आनी चाहिए। पता नहीं दिल में मेरे भाव आते ऐसे आता है। बाकी ऊपर एकल छत आ जाएगी और दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष हैं। हाँ जी प्रणाम प्रणाम जी दीदी। दीदी, प्रणाम जी। दीदी फिर ऊपर जाके भी इन बगीचों का डिवीजन हो जाएगा ना, 500 बाय 2 2000 के हो जाएंगे। हाँ, वो एक नक्शा मैंने निकाला है, ये देखो, ये जो आदर्शनाथ जी का नक्शा है, ये देखो, जो 5 वन है, केल छोड़ दो, इधर से बट वन छोड़ दो, लिबोई, अनार, अमृत, जामु और नारंगी, उनकी तो एकल चांदनी आ जाएगी, दो भूम तीसरी चांदनी, उनकी तो चांदनी दो भूम तीसरी हो गई। केल वन की चांदनी अपने को 5 भूम छठी नजर आएगी,
इधर से बट वन की चांदनी भी पांचवम छठी जाएगी क्योंकि इसमें से बड़ो वन के वृक्ष निकले हैं, प्लस जमुना जी की पाल जब करेंगे ना तो यहाँ पर वृक्ष पांचवम छठी चांदनी है। तो यहाँ पर जुगल दास वाजी का मुझे ध्यान आ रहा है, काफी आगे जाके वर्णन आता है उनका, कि यहाँ पर बहुत सुंदर मतलब एक सुंदर जैसे गलीचा बिछा हुआ है रंग बिरंगा फूलों का, जो इस तरह से पांच तो 2500 मंदिर की तो यूं लंबाई हो गई, इस तरह से पांच पांच बगीचे हो गए ना, पांच वन, ढाई जी हजार ऐसे 2000 मंदिर की चौड़ाई। तो इन स्थान पे एक सुंदर बैठ के तीन तरफ तीन भौम ऊंची ये दीवार हो गई। ये देखो ये केल, इधर पाल के बड़ो वन की पांच हारे जो आती है पाल के ऊपर, इधर ये बट वन का स्थान, और ये चांदनी चौक के स्थान पर भी सुंदर कठेड़ा, और आगे ये अपने को रंगमहल नजर आता होगा। यहाँ चांदियां तो एक हो जाएंगी हाँ, लेकिन अलग अलग नजर आएगा अपने को, ये केल की चांदनी, लिपोई की, कलर डिफरेंस तो होगा ना, होना चाहिए, वही मैं पूछ रही थी, ऊपर पहचान तो होगी ना भाई ये कौन सा। पहचान तो होगी हाँ, लेकिन मिलान किए हुए। हाँ ये शायद अपन इसको यहां से समझे, जैसे यहाँ अलग अलग रंग दे रखे हैं ना, ये देखो खेल का अलग है, लिबोई का अलग है, अलग अलग कलर दे रखे हैं, तो अपने को ऊपर भी मिलने चाहिए। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मुकेश जी, प्रणाम सिंह प्रसाद जी, ये प्रणाम जी। चांदनी चौक में जो ये दो मंदिर मंदिर की जो रोड जा रही है, इसका लेवल जो चांदनी चौक में जो दोनों तरफ नॉर्मल रेट की है उसका कितना ऊंचाई पर है, ये लेवल बराबर है क्या? लेवल बराबर है इनका, अच्छा, चांदनी चौक के मध्य से जो दो मंदिर की जो रोड जा रही है वो भी वो सेम जो है ना लेवल है, ये भी सेम सेम लेवल है। लेवल है। यहाँ पर रेती है, यहाँ पे नगों की रोंस है, पर लेवल सेम है। और इससे पीछे जो वनों के मध्य चलते हैं तब तो भी यही लेवल है, जैसे अपने पाल से हम आ गए पुखराजी रोंस पे, पुखराजी रोंस से हमने ये मध्य रोंस पकड़ ली, तब आपको कहीं चढ़ना उतरना नहीं है, सीधा धाम की सीढ़ियों तक पहुंचोगे। ये देखो यहां से देखो, जमुना जी में झीलना किया, जल रोंस, जल रोंस के बाद पाल, तीन सीढ़ी ऊंची आती है, पाल से तीन सीढ़ी उतर के जब वन रोंस पे आएंगे और ये मध्य रोंस पकड़ेंगे, तो तब अपने को कहीं चढ़ना उतरना नहीं है, सीधा धाम की सीढ़ियों तक पहुंच जाएंगे। दोनों रोड, इस रोड जो दो मंदिर के रोड रोड है अमृत वन के मध्य में, और इसके बाजू में भी जो नहर है, जैसे आप बता रहे थे 50 पचास 50 करती साथ की ये भी मिलान करती हुई आई है, है, तो इसका लेवल भी इसके बराबर ही आएगा। ये तीनों मिलान करती हुई आई है। मतलब दोनों तरफ का लेवल एक ही रहेगा मध्य ये रोड जो थोड़ा। बगीचे है ना, ये बगीचे तीन सीढ़ी नीचे आए हैं, बगीचा तीन सीढ़ी नीचे आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सोनिया, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मैंने फर्स्ट अच्छा टाइम आज प्रणाम ज्वाइन, जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लग रहा है क्लास दोबारा से देख के ना, एक रिवीजन रिवीजन हो जी। जाता है। हाँ जी, मैंने ना एक बात दीदी पूछ की, रोंस से निकल जाती हैं तो उससे पेड़ तो कम नहीं होते ना, क्योंकि दो दो मंदिर की ही रौस है, दो दो मंदिर की ही नहर है, तो आसपास सारे पेड़ बड़ा। हाँ जी दीदी, वो जो दो दो मंदिर के निकले हैं उनपे भी देखिए ये डॉट्स लगे हुए हैं, पेड़ हाँ बराबर ये अपनी है ना, ये दूरी वृक्ष आ पे गए लगे ना, हैं। ये वृक्ष आ हाँ गए ना, जी ये वाले, ये जी वृक्ष तो ऐसे नहीं है, पेड़ों, जैसे ये हाँ जी जामू, तो, ये जामू के ही वृक्ष है। हाँ जी तो पेड़ वही कम होते हैं ना जहाँ खाली चहबच्चा आता है या फिर चांदनी चौक आता है, मेरे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बराबर दो दो मंदिर की दूरी पे पेड़ों की वो सेम महाराज जी ने गिने हुए हैं पूरे ये, क्योंकि तो ये जगह निकलेगी नहीं इसमें से, पेड़ उतने ही रहेंगे मात्रा में। हाँ पेड़ तो मैं कह ही रही हूँ उतने ही रहेंगे, जैसे यहाँ पर भी बात है तो 125 मंदिर की दूरी पे है, तो यहाँ पर 250, लेकिन उसमें जो चौक बनते हैं ना, वो चौक बीच में नहरों के आ जाएंगे। हाँ जी, बस मुझे यही हाँ कंफ्यूजन। जैसे अभी ऊपर वर्णन हो रहा था ना कि इस जगह क्या रहेगा, तो वहां तो बराबर जगह ही है, हाँ जी, प्रणाम, जैसे अभी सुनीता दी ने क्वेश्चन किया था ना, तो वहां बराबर जगह ही है। हाँ जी प्रणाम जी। अच्छा, प्रणाम।
हाँ जी बीना दीदी। दीदी प्रणाम जी। दीदी जो चांदनी चौक के दाएं बाएं जो बगीचे हैं वो दूसरे में तो छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें कितनी पेड़ों की कितनी हारें आएंगी? यहाँ तो देखो वृक्ष कटेंगे क्योंकि चांदनी चौक आ गया। हाँ जी अब इसकी गिनती मैंने देखी नहीं, बस इतना पता है मुझे दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष हैं यहाँ, है ना। देखो यहां तक, यहां से वृक्ष आ रहे हैं, सिर्फ चांदनी चौक वाले वृक्ष कटेंगे 166 मंदिर की जगह पे। हाँ, इधर जो दाएं और बाएं हैं तो ये जो तो इनके वृक्षों की हारें कम हो गई ना, फिर कितनी कम हारे होंगी? कम हो गई ना इधर से ये अपने चांदनी चौक की जगह जगह ले ली, तो ये अपना 500 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा समचौरस बगीचा है। इस हाँ जी बगीचे को हम ये ले लेवे, ये बगीचा अपना समचौरस, तो 250 वृक्षों की 250 हारे आनी चाहिए थी, पर इसमें से 166 मंदिर अपन ने चांदनी चौक के निकाल लिए, तो इसमें लगभग 83 वृक्षों की हारे कम हो गई। हाँ है जी ना, ठीक कुछ है हारे दीदी। कम हो जाएंगे ना वृक्षों की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सोनिया। अच्छा है, नहीं दिस दीदी पहले वो का है, पहले पहले का है जी, का। सॉरी सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी सुरक्षा आंटी, सुरक्षा आंटी का भी शायद पहले का लग रहा है। हाँ जी सुंदर सा जी, आज यहीं तक करें, यहां तक की शोभा क्लियर है अपनी? आज शोभा हुई जांबू वन की, शोभा देखी पहले, तो जैसा जांबू वन है वैसा ही लिपोई, अनार और नारंगी। केल वन भी लगभग वैसा है, लेकिन केल वन में से लगभग क्या पूरा ही वैसा है, लेकिन उसके अंदर से बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारे निकली। और अमृत वन की शोभा भी उसी तरह से है, 500 मंदिर की चौड़ाई, 2000 मंदिर की लंबाई, लेकिन ठीक मध्य यहाँ पर रौस आ गई और दाएं बाएं नहरें आ गई, तो चांदनी चौक की शोभा हुई यहाँ पर। हाँ जी कुसुम दीदी, जल चबूतरा तो होगा क्योंकि 3 सीढ़ियां किस पर उतरेंगी फिर? जल चबूतरा तो है, जल चबूतरा तो है, जल रौस नहीं है। आज वही जल रोस जो 50-50 उसकी आई, वही जल रोस समझ लो, वही हाँ वो जल की रोज साइड है। पाल जल को या रोज को, पाल को या रोज को, एक ही बात है वो। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलवाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, जय अन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।